इस वीडियो के एंड में मैंने तुम्हें बेन 10 डीएनए लैब के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि अगर इस वीडियो पे 6000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड टू माय सरप्राइज इस वीडियो पे 6000 लाइक्स बहुत जल्दी हो गए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए लैब के बारे में। और ये डीएनए लैब असल में थी क्या, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये एक ऑनलाइन गेम की तरह थी जो कि तुम बैंडाई की वेबसाइट पे खेल सकते थे, जिसमें होता ये था कि अगर तुम इस वेबसाइट में यहाँ पर दो सीक्रेट कोड्स को डालोगे तो तुम्हें एक फ्यूजन एलियन देखने को मिलता था जो कि इंस्पायर्ड था डॉक्टर एनिमो एंड द म्यूटेंट रे वाले एपिसोड में दिखाए गए फ्यूजन से। मतलब उस एपिसोड में जब बेन की ओमनीट्रिक्स खराब हुई थी और ओमनीट्रिक्स फ्यूजन्स बनाने लगा था, ये गेम उसी के ऊपर है। लेकिन इन सीक्रेट कोड्स को पाने के लिए तुम्हें खरीदना पड़ता था बेन 10 के बैटल वर्जन टॉय लाइन वाले टॉयज को। बेन 10 की टॉय लाइन पे भी एक अलग से वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। पर फिलहाल बैटल वर्जन टॉय लाइन वाले बेन 10 टॉयज की बात करें तो उनके साथ जो ये सीक्रेट कोड आता था वो कोड बहुत अजीब सा होता था, लाइक ताकि बाफा फूना ऐसे करके कोड्स होते थे और ऐसे ही करके बहुत सारे फ्यूजन्स बनाए गए थे इस पर्टिकुलर गेम के लिए। और मजे की बात यही है कि ये सारे फ्यूजन्स बेन 10 क्लासिक के कैरेक्टर डिजाइनर टॉम पर्किंस ने ही बनाए हैं। इवन तुम्हें यहाँ पे ग्वेन और विलगैक्स का कोड भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके फ्यूजन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, वो तो अभी आगे पता चल ही जाएगा। और हाँ, यहाँ पे रिपजॉज का कोई भी फ्यूजन नहीं बनाया गया था क्योंकि रिपजॉज का कोई बैटल वर्जन वाला टॉय बनाया ही नहीं गया, तो इसलिए फ्यूजन भी नहीं बना। तो अब और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम नजर डालते हैं उन फ्यूजन्स पे। तो सबसे पहले ब्लिट्स वुल्फर के फ्यूजन्स, और सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने है ब्लिट्स बोल्ट। और ये दिखने में तो काफी अजीब सा ही लग रहा है क्योंकि इसका फेस ब्लिट्स वुल्फर जैसा है और बॉडी भी थोड़ी सी है और पूंछ भी है इसकी। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसकी पूंछ भी है और पूंछ पे भी इसका वो कैनन बोल्ट वाला पीला पीला आर्मर है। डायमंड वुल्फर भी है यहाँ पे, यानी डायमंड हेड और ब्लिट्स वुल्फर का फ्यूजन, और ये ठीक ठाक है। मतलब ज्यादा कुछ खास इसमें मुझे लगा नहीं, उतना इम्प्रेसिव नहीं है। हाँ, ये चीज मुझे थोड़ी यूनिक लगी, ये वाला बेल्ट वाला पैटर्न, ये हमने पहले कभी नहीं देखा। और फोर आर्म्स और ब्लिट्स वुल्फर का फ्यूजन, ये भी यार ब्लिट्स वुल्फर के फ्यूजन बहुत अजीब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये कलर यहाँ पे डिफरेंट क्यों है थोड़ा सा, पता नहीं भाई। और फेस पे भी थोड़ा डिफरेंट है। ओह शिट भाई, ये क्या है, ये तो कुछ खतरनाक सा डिजाइन है भाई, ये अच्छा लगा मुझे, ये बढ़िया है। कोनी पे ये ब्लेड्स देखो भाई, क्या डिटेल है इसमें, क्या खतरनाक ब्लेड लग रहे हैं। आई थिंक इसके पैर थोड़े और बेटर हो सकते थे, पैर पे थोड़ी और डिटेल होती तो बेटर होता, लेकिन अपर हाफ तो इसका बढ़िया लग रहा है एकदम। और फेस भी बढ़िया है इसका, खतरनाक सा। गोस्ट फ्रीक और ब्लिट्स वुल्फर का फ्यूजन, इसकी स्किन में से इसके टेंटिकल्स बाहर निकल रहे हैं, लाइक कितना अच्छा, कितना क्रिएटिव सोचा हुआ है कि कोहनी में इसके ब्लेड तो हम दे नहीं सकते, गोस्ट फ्रीक है क्योंकि ये तो गोस्ट फ्रीक है और ब्लिट्स वुल्फर वाला शेप देना है तो क्यों ना इसके टेंटिकल्स निकाल दिए जाए उसके कोहनी के शेप में। भाई जीनियस भाई। और इसका फेस देखो भाई, फेस पे तो मैं फिदा हो गया, फेस काफी डरावना लग रहा है। जो गोस्ट फ्रीक की सेकंड फॉर्म होती है जिसमें उसका हेड टिल्टेड रहता है और ऐसे, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि अंदर है। ये भी ठीक ही है, मतलब वही हीट ब्लास्ट। देखो हीट ब्लास्ट में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हीट ब्लास्ट अगर जिस फ्यूजन में आ गया उसमें हीट ब्लास्ट के जैसी बॉडी रहेगी और बॉडी शेप तो इसका थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादातर वही है, ब्लिट्स वुल्फर जैसा ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। और इसकी ओमनीट्रिक्स की प्लेसमेंट भी कुछ खास लगी नहीं मुझे। आई थिंक ये अगर यहाँ की जगह बीच में होता ना तब ज्यादा बेटर लगता है। मैं एडिट करके इसे बीच में ला दूंगा, तुम मुझे साइड बाय साइड देख के बताना कि कौन सा वाला बेटर लग रहा है। मगर हाँ, ये डिजाइन दिखने में कूल है पर वो मैं इसके लिए नहीं कह सकता भाई। ब्लिट्स वुल्फर के साथ फ्रैंकेनस्ट्राइक जा रहा था अच्छे से, लेकिन ये नहीं जा रहा भाई, ये इसका शेप बहुत ही अजीब है क्योंकि इसमें बाकी सभी डिजाइन्स में तुम्हें वो एल्बो वाली चीज दिखेगी ना, वो ब्लिट्स वुल्फर के शेप को ओवरऑल काफी कॉम्प्लीमेंट करता है। मे भी शायद यहाँ से भी थोड़े टेंटिकल्स या पट्टियां वगैरह होती है जैसे पीछे से दे सकते थे, या फिर इसके कोहनी से पट्टियां निकलती इसकी, ऐसा कर सकते थे जैसे गोस्ट फ्रीक में टेंटिकल्स निकाले इसकी कोहनी से। क्या है ये, क्या क्या देख रहा हूँ मैं, क्यों आ रहा है ये मेरे सामने, अभी अभी देखा था बेकार वाला डिजाइन और ये थोड़ा और बेकार मिल गया हमें, क्योंकि ये स्टिंग फ्लाई है लेकिन इसके पंख ही नहीं है।
इसके पंख ही नहीं है, ये उड़ेगा कैसे? ओके। इसका भी वही प्रॉब्लम है, डिजाइन कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें वो एल्बो वाली चीज है। और इसमें एक और चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है ये जो ग्लो वाली चीज है, ये जो हाइलाइट्स दी हुई है ना, या देखो ये है कुछ बढ़िया डिजाइन। ये बात कर रहा था मैं, पैर भी अच्छे लग रहे हैं, इसके हाथ भी देखो यार 3 उंगली है, पूंछ भी काफी यूनिक बनाई हुई है। भाई इसको मैं एज अ फ्यूजन जरूर देखना चाहूंगा, और ये अच्छे से काम भी करेगा क्योंकि उसकी जो सोनिक हाउल है और जो ऑप्टिक लेजर है वो सोचो अगर कंबाइन होके ये ब्लिट्स अपग्रेड अप वुल्फर जो भी नाम होगा इसका वो अपनी आंख से ये दोनों मिक्स करके छोड़ेगा तो कितना कूल लगेगा। वो ब्लिट्स वुल्फर और वाइल्ड मट बेन के दो सबसे वाइल्डेस्ट एलियंस है और उन दोनों का फ्यूजन देखने में उनसे भी ज्यादा वाइल्ड लग रहा है, तो ये एक तरह से बढ़िया बात ही है। अनदर ग्रेट डिजाइन यार, और कितनी तारीफ करूं मैं टॉम परकिंस की, भाई मैं फैन हूं उस बंदे का। ये बंदा एलियंस को इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन कैसे करता है भाई। टॉम परकिंस के इलस्ट्रेशंस अगर तुमने देखे हैं ना तो तुम्हें पता है कि वो कितना डिटेल्ड काम करता है वो बंदा। आई होप कि मैं कभी ना कभी अपनी जिंदगी में उसके जितने अच्छे इलस्ट्रेशंस एलियंस के बना पाऊं, एंड उसके इलस्ट्रेशंस पे मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो बननी चाहिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उस पे भी बना देंगे अपन। ओके। ये वाला डिजाइन ना, आई रिस्पेक्ट टॉम परकिंस, लेकिन ये वाला डिजाइन, अरे ये क्या है अगेन यार, एक और फ्यूजन जो कि नहीं जचता यार। फ्यूजन वो भी कैनन बोल्ट का ऐसे एलियंस के साथ जो कि टॉल है, मतलब कैनन बोल्ट एक ऐसा एलियन है जो कि ब्रॉड है, लंबा तो है वो लेकिन चौड़ा ज्यादा है, और इसलिए जच नहीं रहा है। अगर कोई चौड़े एलियन के साथ चौड़े एलियन का फ्यूजन करवाएंगे, जैसे कैनन बोल्ट का मान लो अगर ग्रेविटेक के साथ करवाते हैं, ग्रेविटेक भी बड़ा है और चौड़ा ज्यादा है, कुछ ऐसे। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, हाँ ये काफी अच्छा डिजाइन है, ये मैं कहूंगा कि ये अच्छा डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे उन दोनों के बॉडी शेप्स को मैच करने की कोशिश नहीं किया जैसा फोर आर्म्स और कैनन बोल्ट और डायमंड हेड और कैनन बोल्ट वाले में की थी, बल्कि यहाँ पे कैनन बोल्ट के बॉडी शेप को लिया है और उसके ऊपर फ्रैंकेनस्ट्राइक के हिस्सों को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। और एक मिनट, ये ऑमनीट्रिक्स बाहर क्यों है, वो भी हाथ पे, और ये तो शेल है भाई, उसका तो शेल जब वो ट्रांसफॉर्म होगा अपने उसमें बॉल फॉर्म में तो ये ऑमनीट्रिक्स कहाँ रहेगा, साइड में? ऑमनीट्रिक्स को तो अंदर होना चाहिए ना, खंबे इसके कहाँ जाएंगे जब ये बॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। हाँ ये भी थोड़ा डिजाइन फ्लॉ है मैं कहूंगा, लेकिन उसको हम एक्सक्यूज कर सकते हैं कि अंदर चले जाएंगे फिर वो बॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि जो बेन विक्टर है वो भी अपने खंभों को अपने शरीर के अंदर धंसा सकता है, तो ये अज्यूम करना कोई बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं होगा कि ये वाला फ्यूजन भी ऐसा करके ही बॉल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा अपने। फिर से वही हीट ब्लास्ट का फ्यूजन, और देख सकते हो तुम कि पूरी बॉडी हीट ब्लास्ट की ही लग रही है, और इसके हाथों और यहां से देखने से लग रहा है कि जब ये अपने स्फीयर वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो ये एक तरह से फायर बॉल के जैसा लगेगा। ये क्या है ये सब, क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैनन बोल्ट एंड स्टिंग फ्लाई का फ्यूजन, और इसके पैर कहाँ है भाई, पैर कटे हुए क्या इसके, या फिर ऐसे ही पैर है इसके अब ये क्या है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, और ये क्या इसके सर पे क्या लड्डू रखे। पहले वाला जो अपग्रेड का डिजाइन था वो तो मैंने कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट है, बल्कि सबसे ही बेस्ट लगा था मुझे अब तक में, लेकिन ये वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ये क्या है, इसकी आंखें, अपग्रेड की आंखें, वो भी ऐसी, वो ये तो किसी डॉगी जैसा लग रहा है, कोई पिटबुल टाइप, वो होते नहीं है छोटे छोटे डॉगी और मोटे मोटे तगड़े तगड़े बड़े बड़े से रहते, छोटे ही है हाइट में लेकिन तगड़े लगते हैं, खतरनाक लगते हैं दिखने में, वैसा लग रहा है ये। बस इसके गले में पट्टा सा गला तो है नहीं इसका। यहाँ पे तुम ये उभरी हुई चीजें देख सकते हो जो कि इसके फर के जैसी हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है। ओके, what the hell is this। और हमें पता है कि क्लासिक वाले वाइल्ड वाइन के 3 आंखें हैं, एक उसके सामने और 2 उसके कंधों पर अगल बगल, तो वैसा ही यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि हाथों में से यहाँ से ये स्पाइक्स निकालने का क्या लॉजिक बनता है, क्योंकि ये अगर अपनी स्फीयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो ये स्पाइक्स कहाँ जाएंगे, क्या ये इसके अंदर जाएंगे वापस? अगर इसके अंदर जाएंगे तो ये निकले ही क्यों हुए हैं, और जब ये अपने स्फीयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या इसका आउटर शेल इस तरह दिखेगा या फिर इस तरह दिखेगा,
ये भी बता दो, ये भी मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन्स में से एक है। डायमंड हेड और फोर आर्म्स का बिल्ड जो है, यानी कि जो उनका बॉडी शेप है, काफी हद तक सिमिलर है। सेम नहीं कह रहा मैं, क्योंकि फोर आर्म्स का थोड़ा राउंडर शेप है, राउंडर एजेस है उसके डिजाइन की, और डायमंड हेड के काफी शार्प एजेस है। लेकिन ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी टॉल है, तो वो टॉल टॉल अच्छे से मैच करता है, इसीलिए उनका जो फ्यूजन है वो काफी अच्छा निकल के आया है, और वो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग एलियन है, तो वो इसलिए और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस फ्यूजन में। फ्रैंकेनस्ट्राइक और डायमंड हेड, ये वाला डिजाइन भी ठीक ठाक लग रहा है। मतलब पूरा जो बॉडी वगैरह है और अलग अलग कलर की क्रिस्टल तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हालांकि ये जो पिस्टन्स टाइप होती है, जो इसके पीछे खंबे जैसे, ये वही वाले यूज किए हुए हैं जो कि बाकी सारे डिजाइन में भी अभी देखने को मिलते हैं। ये थोड़े डायमंड हेड स्टाइल में होते तो ज्यादा बेटर होता, एंड इसका फेस भी थोड़ा और बेटर हो सकता था। अरे 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 अरे, ये तो वही वाला डिजाइन है जो कि मेरे भाई ने बनाया था। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी एक्शन फिगर्स वाली, तो तुम्हें पता होगा कि हमने कुछ एक्शन फिगर्स बनाए थे बचपन में बेंटेन वाले खेलने के लिए, और उसमें से एक ये भी हमने बनाया था, और तब हमें लगा था कि ये कोई फैन डिजाइन है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में टॉम पर्किंस ने ही बनाया था। वो डायमंड हेड और हीट ब्लास्ट का ये वाला डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और इसमें मुझे बाकी जो हीट ब्लास्ट के डिजाइन थे उनसे एक चीज क्या अच्छी लगी पता है, कि इस डिजाइन में यहाँ पे डायमंड हेड के जो लेफ्ट वाला चेस्ट है, जहाँ पे ओमनीट्रिक्स होता है, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक पार्ट होता है, ठीक है, और पूरा राइट साइड जो है डायमंड हेड का, वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो उसे इमिटेट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए यहाँ पे रॉक्स तो है डायमंड हेड वाले, लेकिन उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। और अगर लेफ्ट वाली साइड देखो तो वहाँ पे भी रेड कलर के ही रॉक्स है, लेकिन वो बहुत ब्राइट कलर के है। कंपेयर करें अगर उसके हाथों वाले रॉक से, इन दोनों में, एक्चुअली तीनों में कलर डिफरेंस काफी अच्छा खासा है। तो देखो यार, इन सभी फ्यूजन्स को मैं इसी एक वीडियो में कवर करने की सोच रहा था, लेकिन अभी भी मेरे पास इतना सारा फुटेज एडिट करना बाकी है, तुम देख सकते हो, जिसे मैं आज के आज 2-3 घंटे में तो बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। अभी तक तुमने जो भी फ्यूजन्स देखे वो सब तो ठीक है, लेकिन बाकी के सारे फ्यूजन्स तुम्हें पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए तुम कमेंट्स में DNA Lab 2 कमेंट कर सकते हो। और हाँ यार, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इसको आज मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा यार, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी, शायद तुम समझ जाओ। और हाँ यार, वीडियो लाइक भी कर देना ताकि थोड़ी रीच मिले इस वीडियो को। फिर से एक बार सॉरी।